हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस में विभिन्न प्रकार की जो कीज़ होती हैं उनके बारे में, कि वो कीज़ कैसे क्या होती हैं, उनका यूज़ क्या है और उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये की कौन सी की है। तो जो कीज़ अभी अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे वो होंगी एक सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, कंपोजिट की। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सुपर की। तो सुपर की का जो है सुपर की वो एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट होंगे जो किसी टेबल में किसी डेटा रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम में आते हैं। तो सुपर की क्या हो गया, सेट ऑफ एट्रीब्यूट या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट, और इसमें प्राइमरी की भी इंक्लूड होगी और कैंडिडेट की भी इंक्लूड होगी, वो अपन आगे देखेंगे। बट अगर एक डेफिनेशन देखा जाए तो सुपर की का क्या होगा कि सुपर की वो एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट है जो किसी टेबल में किसी डेटा रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम में आते हैं। उसके बाद आता है कैंडिडेट की। तो किसी टेबल में कैंडिडेट की कौन सी होंगी, कैंडिडेट की जो है बेसिकली मिनिमल ऑफ सुपर की। तो जो भी सुपर की आइडेंटिफाई की जाती है एक टेबल में, तो मल्टीपल सुपर कीज़ होंगी, उन सुपर कीज़ में से कैंडिडेट की का चूज़ किया जाता है। और कैंडिडेट की तो किस बेसिस पे चूज़ करेंगे कैंडिडेट की, तो जो सुपर कीज़ जो आपके पास आई हैं उनमें से जो मिनिमल होगी, मिनिमल मीन्स जिस सुपर की में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सबसे कम होंगे। सपोज़ आपके पास 10 सुपर की आई हैं, 10 सुपर की में से दो सुपर की ऐसी हैं जिनमें जो एट्रीब्यूट है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट वो केवल एक एक है, और बाकियों में किसी में दो, किसी में तीन, किसी में चार ऐसे हैं। तो उस सुपर की को चूज़ करेंगे जो मिनिमल होगी, मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सबसे कम होंगे। तो उस एग्जांपल में जिन एट्रीब्यूट के अंदर एक एक जिन की के अंदर एक एक एट्रीब्यूट है वो वाला चूज़ कर लेंगे, तो वो कीज़ जो हो जाएंगी कैंडिडेट की हो जाएंगी। तो कैंडिडेट की क्या है, मिनिमल सुपर की, अर्थात ऐसी सुपर की जिनमें सबसे कम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट उपस्थित हों, तो वो की अपने पास हो जाएगी कैंडिडेट की। फिर एक बार जब कैंडिडेट की आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो डीबीए जो होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उसके द्वारा जो आई हुई कैंडिडेट की में से किसी एक की को चूज़ किया जाता है जिसे प्राइमरी की बनाया जाएगा। तो प्राइमरी की क्या हो गया, जो आपने कैंडिडेट की आइडेंटिफाई किए उन आइडेंटिफाइड कैंडिडेट की में से किसी एक की को एज ए प्राइमरी की बनाया जाता है। और ये पूरी तरह डीबीए की चॉइस पर डिपेंड करता है कि वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट कि कौन से वाले कैंडिडेट की को एक प्राइमरी की चूज़ करता है। तो एक जो फ्लो देखा जाए तो सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की। सुपर की वो कीज़ हो जाएंगी जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसी टेबल में किसी डेटा रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती हैं। उन दी गई सुपर कीज़ में से कैंडिडेट कीज़ वो होंगी जो, तो सुपर की एक सबसे बड़ा सुपर सेट हो गया, उसके अंदर कुछ कैंडिडेट की हैं और उन कैंडिडेट की में से एक प्राइमरी की चूज़ करेंगे। तो सुपर की से कैंडिडेट की में आने का क्या प्रोसेस है, वो सुपर की जो सबसे मिनिमल है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सबसे कम है, वो वाली सुपर कीज़ कैंडिडेट की हो जाएंगी। और उन कैंडिडेट की में से डीबीए चूज़ करता है कि कौन सी वाली कैंडिडेट की को प्राइमरी की बनाया जाएगा, और वो आफ्टर डीबीए चॉइस वो जो की है वो एक प्राइमरी की बन जाती है। तो इनको एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज़ एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल, और उसके अंदर चार कॉलम है। तो एक अगर जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर RDBMS टेबल में इसको एक रिलेशन है और इसको टेबल है, टेबल अर्थात जो डेटा है वो रोज़ और कॉलम की फॉर्म में स्टोर है, ऑर्गेनाइज है, तो ये एक टेबल हो गया और उसका नाम क्या हो गया, स्टूडेंट। तो इसके अंदर तीन रो हैं और जो चार कॉलम है, और चार कॉल तो रोज़ को टपल और रिकॉर्ड भी बोला जाता है, और जो कॉलम्स हैं तो ये तीन रो हो गई और ये चार कॉलम हो गए। तो ये जो रो हैं इनको टपल भी बोला जाता है, रो भी कह सकते हैं, रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। जो कॉलम है वो आपको एज ए प्रॉपर्टी होंगी, वो एट्रीब्यूट होंगे।
तो इस स्टूडेंट टेबल के चार एट्रीब्यूट हो गए, चार प्रॉपर्टी हो गई, कौन कौन सी, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फोन नंबर और सब्जेक्ट नंबर। तो तीन रो का मतलब है इसमें तीन स्टूडेंट का डेटा आपने स्टोर कर रखा है। तो एक स्टूडेंट नंबर है जिसका नंबर क्या है 1, उसका नेम है एंड्रयू, उसका फ़ोन नंबर एक है 66159 और सब्जेक्ट नंबर है 10। तो ये जो रो हो गई है एक फर्स्ट स्टूडेंट के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो इस रो में स्टोर है। अब यहाँ पे स्टूडेंट नंबर, तो स्टूडेंट नंबर अगर एक नाम से देखा जाए तो स्टूडेंट नंबर एज ए रोल नंबर या कोई आईडी टाइप की जो किसी स्टूडेंट का रिपीट नहीं होगा, कि अगर कोई क्लास है तो क्लास में अगर 50 स्टूडेंट है तो 50 स्टूडेंट में रोल नंबर सबों का डिफरेंट डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी दो स्टूडेंट को एक ही रोल नंबर अलॉट कर दिया गया हो। तो जो रोल नंबर है वो स्टूडेंट का डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो ये मान के चलते हैं कि स्टूडेंट जो नंबर, स्टूडेंट नंबर जो ये कॉलम है इसमें कोई भी नंबर जो भी वैल्यू आएगी वो रिपीट नहीं होगी। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट नेम पे। तो स्टूडेंट नेम, किसी क्लास में स्टूडेंट का जो नाम है वो रिपीट हो सकता है। ऐसा पॉसिबल है कि किसी एक क्लास में सेम नाम के दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हों। तो इस केस में स्टूडेंट नेम के अंदर जो भी वैल्यू आएंगी वो रिपीट हो सकती हैं। फ़ोन नंबर, इस केस में इन्होंने माना है कि फ़ोन नंबर यूनिक होगा सबों का, कि जो भी स्टूडेंट होगा उसका एक अपना पर्सनल मोबाइल नंबर होगा। तो स्टूडेंट जो है उसका जो फ़ोन नंबर है वो रिपीट नहीं होगा। सब्जेक्ट नंबर मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट का नंबर क्या है या नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने, तो वो हर एक के आगे, तो वो रिपीट हो सकता है। तो ये एक एक एग्जांपल हो गया स्टूडेंट टेबल का, जिसके अंदर चार एट्रीब्यूट हैं और तीन रो हैं, अर्थात तीन स्टूडेंट का इसमें जो डेटा है वो स्टोर है। तो अब इस केस में, आप सुपर की, प्राइमरी की और कैंडिडेट की आइडेंटिफाई करते हैं। तो सुपर की जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखा था कि सुपर की क्या है, वो एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट, सेट ऑफ एट्रीब्यूट मतलब एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट मिलकर जो बना रहे हैं, अगर उनका काम क्या है कि इसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना एक टेबल में। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स में कोई भी थर्ड पर्सन आके क्लास में आके बोलता है कि रोल नंबर एक खड़े हो जाओ या रोल नंबर एक को बुला रहे हैं, तो रोल नंबर एक अगर उसने बोला है तो ऑब्वियसली एक ही बच्चा खड़ा होगा, क्योंकि क्लास में जो रोल नंबर 1 है वो एक ही बच्चे को अलॉट है, मोर देन 1 स्टूडेंट को अलॉट नहीं है। तो उस क्लास में किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक्सेस करने के लिए केवल रोल नंबर सफिशिएंट है। दूसरा एग्जांपल ये है कि कोई अगर और वो बंदा आके ये बोलता है, रोल नंबर की जगह ये बोलता है कि राजेश नाम का स्टूडेंट है वो खड़े हो जाओ, तो चांसेस हैं कि उस क्लास में मोर देन 1 स्टूडेंट का नाम राजेश हो, कई सारे स्टूडेंट का नाम राजेश हो, तो आप किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो केवल नाम बोल के, रोल नंबर के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हो, नाम बोल के आप उसको पॉइंट आउट एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। तो सेम यही केस, जब इस केस में स्टूडेंट नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो स्टूडेंट नंबर जो कॉलम है वो एज ए किसी एक पर्टिकुलर रो को आइडेंटिफाई करने के काम में आ सकता है, आएगा, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो केवल स्टूडेंट नंबर की सहायता से आप उस रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, अर्थात वो एक सुपर की होगा। फिर आगे देखते हैं केवल स्टूडेंट नेम, क्या केवल स्टूडेंट नेम से, तो हमने बोला कि नहीं, स्टूडेंट नेम रिपीट हो सकते हैं, तो केवल स्टूडेंट नेम की सहायता से किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई आप नहीं कर पा रहे हो, तो इस केस में उस रो को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे स्टूडेंट नेम से, तो केवल स्टूडेंट नेम जो कॉलम है वो एक एज ए की, एज ए सुपर की नहीं बनेगा। स्टूडेंट फ़ोन नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, यूनिक है, तो वो एक की बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी ये बोला कि स्टूडेंट फ़ोन नंबर हर एक पर्सनल स्टूडेंट का एक पर्सनल मोबाइल नंबर है। तो अगर आप क्लास में आके बोलते हैं कि सपोज़ एक 10 डिजिट का नंबर बोला है, मोबाइल नंबर किसका है, वो पर्सन या वो स्टूडेंट खड़े हो जाओ, तो उस केस में आप एक पर्टिकुलर उस स्टूडेंट को पॉइंट आउट कर पा रहे हो, क्योंकि वो नंबर किसी और को अलॉट नहीं है, मोबाइल नंबर, और वो तो आप केवल एक जाके एक पर्सनल जो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। तो के जो स्टूडेंट फोन है, जो एट्रीब्यूट है, वो एज ए की काम में आएगा, तो वो एक सुपर की होगा। सब्जेक्ट नंबर केवल सब्जेक्ट नंबर नहीं होगा। तो ये तो हो गया जब सिंगल एक कॉलम
केवल एक सिंगल कॉलम की बात कर रहे हैं। उसके बाद सुपर की में और क्या होगा कि ये कि एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट मिलके भी क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये है कि स्टूडेंट नंबर प्लस स्टूडेंट नेम, तो उस जो जो कॉलम है जो रिपीट नहीं हो रहा है, जो एक की बन गया है एट्रीब्यूट, उसको किसी और कॉलम के साथ भी ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली एक की बन जाएगी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही दे रहा है। क्योंकि अगर केवल स्टूडेंट नंबर से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो स्टूडेंट नंबर प्लस स्टूडेंट नेम से भी आप आइडेंटिफाई कर लोगे। तो जैसे वही एग्जांपल मैं दोबारा लेता हूँ कि क्लास में आप आके बोलते हो कि रोल नंबर एक जिसका नाम राजेश है वो खड़े हो जाओ, तो हो सकता है क्लास में 5 स्टूडेंट का नाम राजेश हो, बट आपने आगे लगा दिया रोल नंबर 1। चूँकि रोल नंबर 1 रिपीट नहीं हो रहा है, तो केवल एक ही पर्सन को आप आइडेंटिफाई करोगे, एक ही पर्सन खड़ा होगा, ठीक है। तो क्यों, अब यहाँ पे क्या, आपने दो कॉलम की इन्फॉर्मेशन दी, एक स्टूडेंट नेम की भी दी और स्टूडेंट नंबर की भी दी। तो ऐसा ही होता है कि जब जो एक कोई कॉलम जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको आपने की चूज़ कर लिया, उसको किसी और कॉलम के साथ भी मर्ज करोगे तो वो भी एक ऐसे सुपर की ट्रीट होगा। तो ये एग्जाम्पल होंगे, इसके अलावा भी कई सारे सुपर की बनेंगे। तो केवल स्टूडेंट नंबर, केवल स्टूडेंट नंबर बन रहा है, केवल स्टूडेंट फ़ोन बन रहा है, स्टूडेंट केवल स्टूडेंट नेम करके कोई नहीं है, फिर स्टूडेंट नंबर स्टूडेंट नेम का जो दोनों का कॉम्बिनेशन है ये भी एक सुपर की होगा, स्टूडेंट नंबर स्टूडेंट फ़ोन। तो ऐसे आप कई सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो ऐसे सुपर की बना सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट नंबर स्टूडेंट नेम स्टूडेंट फ़ोन सब्जेक्ट नंबर, ये चारों मिलके भी एक सुपर की बनाएंगे। तो ऐसे जो सुपर की है वो कई सारी सुपर की होंगे कॉम्बिनेशन, बस आपको ये याद बस उसका जो मेन सुपर की का क्या है कि जो भी सुपर की बन रही है ये मिलके किसी एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहिए, चाहे वो एक कॉलम से सुपर की बना रहे हो चाहे मल्टीपल कॉलम को मर्ज करके आप सुपर की बना रहे हो। तो अगर स्टूडेंट फ़ोन और इस सब्जेक्ट नंबर, तो ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो केवल इन दोनों की से जो इन्फॉर्मेशन है वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम में आएगी। तो ऐसे कई सारी आपके जो सुपर की हैं वो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इस केस में कि स्टूडेंट नंबर हो गया एक, स्टूडेंट फ़ोन हो गया, स्टूडेंट नंबर स्टूडेंट नेम हो गया, ऐसे। अब आते हैं कि अब एक बार बताएंगे कि जैसे ये जो पहली की है स्टूडेंट नंबर, तो इसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितना हो गया एक, सेकंड वाली में भी कितना हो गया एक। अब मैं इसकी बात करूँ इस वाले की, तो इसमें स्टूडेंट नंबर स्टूडेंट नेम स्टूडेंट फ़ोन इसमें कितने हो गए 3, ऊपर वाले में इसमें कितने हो गए 2 नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट। तो नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई करने आ गया कि उस की में कितने नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट है, कितने नंबर ऑफ़ कॉलम है, उनका नंबर आपको बताना है। तो ऊपर के जो 2 हैं ये दोनों, इनमें कितना एक एक, बाकी के नीचों में कई में 2 हैं, फिर सबसे लास्ट वालों में सबों में कितने हैं 3 3, किसी में 4 भी हो सकते हैं आगे ऐसे। तो नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट उस सुपर की में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब कैंडिडेट की को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाएगा। तो कैंडिडेट की अपनी डेफिनेशन क्या थी, वो जब मिनिमल ऑफ सुपर की, मतलब जितने भी आपके पास ये सारी सुपर की हैं इनमें जो मिनिमल है, मिनिमल अर्थात जिसमें नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट सबसे कम है। तो इन सभी में नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट कौन सी की में कम है, ऊपर वाली 2 में, दोनों में एक एक है, बाकी सबों में 2 या 3 है। तो जो सबसे कम नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट हैं वो केवल ऊपर की 2 जो ये स्टूडेंट नंबर और स्टूडेंट फ़ोन, केवल इन दोनों की में है। तो ये दोनों जो सुपर की हैं ये एज ए आइडेंटिफाई हो गई कैसे, कैंडिडेट की। तो स्टूडेंट टेबल में 2 कैंडिडेट की हो गई, स्टूडेंट नंबर और स्टूडेंट फ़ोन, ये दोनों अलग अलग जो की। तो एक कैंडिडेट की स्टूडेंट टेबल में कौन सी हो गई, स्टूडेंट नंबर और स्टूडेंट फ़ोन। तो ये कैंडिडेट की आइडेंटिफाई करना आ गया कि कैसे आइडेंटिफाई की, कि जो गिवन सुपर कीज़ हैं, ये जो गिवन सुपर कीज़ हैं इनमें से मिनिमल सुपर की को चूज़ करना, मिनिमल मतलब जिसमें नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट सबसे कम हो। तो इस स्टूडेंट इस केस में क्या हो गई, 2 कैंडिडेट की हो गई, स्टूडेंट नंबर स्टूडेंट फ़ोन। अब इसमें से चूज़ करते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी की डेफिनेशन क्या थी, जो आपके पास कैंडिडेट की आई है, तो अपने पास कैंडिडेट की कौन सी आई, स्टूडेंट नंबर और स्टूडेंट फ़ोन, इन दोनों कीज़ में से किसी को भी एज ए प्राइमरी की चूज़ किया जा सकता है, और वो चॉइस होगी DBA की। तो DBA आइडेंटिफाई करेगा कि मेरे पास जो गिवन कैंडिडेट कीज़ आई हैं उनमें से मैं किस की को एक प्राइमरी की चूज़ करूँ, वो उसका डिसीजन होगा, वो उसका प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेगा। तो इस केस में उसने मान लिया स्टूडेंट नंबर को एज ए प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसे किसी टेबल की को आइडेंटिफाई किया जाता है।
तो सबसे पहले सुपर की आप आइडेंटिफाई करोगे। सुपर की कैसे? वो एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिनकी मदद से आप एक पर्टिकुलर रो को किसी टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। फिर जो आप सुपर की आइडेंटिफाई कर लोगे, उसके बाद उन सुपर कीज में से कैंडिडेट की चूज़ करोगे। और कैंडिडेट की कैसे चूज़ करोगे? जो मिनिमल ऑफ सुपर की है। फिर जब एक बार कैंडिडेट की आ गई, तो उन कैंडिडेट कीज में से आप एज ए एक प्राइमरी की चूज़ करोगे, वो DBA द्वारा डिसाइड होगा। तो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं सब्जेक्ट का। एक सब्जेक्ट टेबल है जिसके अंदर तीन रोज़ हैं, तीन कॉलम्स हैं। तीन कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स के हो गए, सब्जेक्ट नंबर, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर, तीन रो हो गए। तो हर एक सब का सब्जेक्ट का नंबर अलग अलग होगा। सब्जेक्ट नेम सेम हो सकता है और उसका इंस्ट्रक्टर है वो भी अलग है। तो इस केस में सुपर की चूज़ कर लेंगे। सब्जेक्ट नंबर केवल है तो सब्जेक्ट नंबर एक की हो गया। बाकी ये नेम रिपीट हो सकता है, इंस्ट्रक्टर भी रिपीट हो सकता है। तो सब्जेक्ट नंबर एक की हो गया, सब्जेक्ट नंबर सब्जेक्ट नेम मिलके की हो गया, सब्जेक्ट नंबर सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर की हो गया, ऐसे करके। तो ऐसे कई सारी आपके सुपर की होंगी। अब इन सुपर कीज़ में से कैंडिडेट की चूज़ करेंगे। तो कैंडिडेट की इस केस में केवल इस केस में जो कैंडिडेट की है ये वाली होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो एट्रीब्यूट है सबसे कम है, केवल एक है, बाकी में दो या तीन है। तो इस केस में ये वाली जो की है ये एज ए कैंडिडेट की हो गई। तो एक ही कैंडिडेट की आई इस केस में, तो जो कैंडिडेट की है सब्जेक्ट नंबर हो गई। अब चूंकि एक ही कैंडिडेट की आइडेंटिफाई हुई, तो प्राइमरी की और कोई ऑप्शन नहीं है आपके प्राइमरी की बनाने का, तो सब्जेक्ट नंबर ही एज ए प्राइमरी की बन जाएगा। तो इस केस में एक ही कैंडिडेट की आई, तो इसलिए एक ही प्राइमरी की हो गई पिछले। हाँ, तो ये एक तो इस तरह आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे प्राइमरी की, सुपर की, कैंडिडेट की। फिर अब जैसे इस वाले एग्जांपल में अपने पास दो कैंडिडेट की आई थी, दो कैंडिडेट की आई और उसमें से एक को प्राइमरी की चूज़ कर लिया। तो जब ऐसा होता है उस केस में, जब मल्टीपल आपके पास कैंडिडेट की प्रेजेंट रहती है और उसमें से किसी एक को प्राइमरी की चूज़ कर रहे हो, तो जो जो बची हुई हैं उनको बोला जाएगा सेकेंडरी की। सेकेंडरी की तो सेकेंडरी की कौन सी होंगी? जो गिवन कैंडिडेट की है, जो सेट है कैंडिडेट की इसका, उस कै सेट में से जब आपने किसी एक को प्राइमरी की चूज़ कर लिया, तो बाकी बची हुई कीज़ क्या होंगी? सेकेंडरी की। तो इस केस में स्टूडेंट फोन एक सेकेंडरी की हो गई। सेकेंड वाले एग्जांपल में चूंकि एक ही कैंडिडेट की आई थी, मल्टीपल नहीं थी, उसी को प्राइमरी की बन गया, तो कोई सेकेंडरी की नहीं है। तो इसलिए सेकेंडरी की क्या है कि जो कैंडिडेट कीज़ में से केवल एक की को प्राइमरी की चूज़ किया जाता है, और जो इसलिए जो बाकी बची हुई जो कीज़ होंगी कैंडिडेट की, उन्हीं को क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी की बोला जाएगा। तो सेकेंडरी, तो पिछले वाले एग्जांपल में पता चल गया होगा कि सेकेंडरी की जो स्टूडेंट का जो फ़ोन था उस वो एज ए सेकेंडरी की ट्रीट होगा। इसके बाद आता है कंपोजिट की। तो कंपोजिट की क्या क्या होता है कि दोनों एग्जांपल में अपने जो की आइडेंटिफाई हुई है वो केवल सिंगल कॉलम की है। सिंगल कॉलम मतलब उस की के अंदर केवल एक ही कॉलम प्रेजेंट है, एक ही एट्रीब्यूट प्रेजेंट है। तो कई बार क्या होता है कि केवल एक एट्रीब्यूट, केवल एक कॉलम से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो रो को यूनिकली, तो उस केस में आपको मल्टीपल कॉलम्स को मर्ज करके एक की बनानी रहती है। तो ऐसी की को क्या बोला जाएगा? कंपोजिट की। तो अर्थात कि जब किसी केस में एक रो या सॉरी एक कॉलम और या एक एट्रीब्यूट से आप किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, उस केस में आपको कई दो या दो से अधिक कॉलम्स को मर्ज करके उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो उस केस में जो की रहेगी वो सिंगल एट्रीब्यूट की नहीं होगी, वो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स की होगी। तो ऐसी की को कंपोजिट की बोला जाता है। तो होप ये कीज जो हैं, प्राइमरी की, सुपर की, कैंडिडेट की, सेकेंडरी, कंपोजिट, ये की के कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। थैंक यू।